कोरोना वायरस या फिर कोविड-19, जब हम ये नाम सुनते हैं या पढ़ते हैं, हमारे मन में बस यही सवाल आता है कि कब ये खत्म होगा, कब हम फिर से पहले जैसे जी सकेंगे। कोविड-19 की महामारी आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। लाखों लोग इस महामारी से मर चुके हैं और लाखों लोग संक्रमित हैं। इस महामारी ने पूरी दुनिया को जैसे रोक ही दिया है। पूरी दुनिया में इस बीमारी की दवा बनाने की कोशिश जारी है ताकि मानव धर्म बच सके और दुनिया फिर से चल सके, एक बार फिर से। कोविड-19 हमारा एक ऐसा दुश्मन है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर हमारे शरीर में घुसकर लंग्स पर अटैक करता है। एक संक्रमित हजारों को संक्रमित कर सकता है, ऐसी ताकत रखता है ये वायरस। और इस वायरस की अभी तक हमारे पास कोई दवा नहीं है, बस हम घर पे रहकर इसे कम से कम फैलने से रोक सकते हैं। अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा हर किसी में होती है। अब यही वक्त है कि हम सिर्फ घर बैठे बैठे अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक आज एक खामोशी सी है। उस खामोशी में एक ऐसा अनदेखा दुश्मन है जिससे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल वर्कर्स, पुलिस, आर्मी, सफाई कर्मचारी दिन रात लड़ रहे हैं, और हमें सिर्फ घर में रहकर इन सभी कोरोना वॉरियर्स का साथ देना है। हम कलयुग में जी रहे हैं। हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में लगा हुआ है। हर इंसान एक तकलीफ से गुजर रहा है, पर यह तकलीफ कुछ समय की ही है। हम फिर से तकलीफ से उभर कर आएंगे, पर यह महामारी एक बार फैल गई तो हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम सर 5वीं कक्षा में थे। रामेश्वरम में अखबार ट्रेन से आया करती थी, पर वहां ट्रेन रुकती नहीं थी। ऐसे में अखबारों को रास्ते पर फेंक दिया जाता था, और वही अखबार उठाने का काम एपीजे अब्दुल कलाम किया करते थे, और आज उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी एक जमाने में चाय बेचते थे। इन महापुरुषों ने अपने परिश्रम से देश की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। अब हमें उनसे प्रेरणा लेकर आज प्रण लेना है कि हम हमारे सभी मजदूर किसान भाई जो आज हजारों मील चलकर अपने घर की ओर जा रहे हैं, उनके साथ खड़े रहकर उनकी मदद करनी है। ये वही लोग हैं जो आने वाले वक्त में हमारे देश का एक मजबूत भविष्य बनाएंगे। रामेश्वरम से दिल्ली तक धरती माँ अपने अलग अलग रूप दिखाती है। इसी माँ के साथ जब बच्चे हजारों मील का सफर करते हैं, बस एक उम्मीद ही तो होती है, और वो खामोशी बहुत कुछ बोल जाती है। आज से पहले ना आसमां इतना साफ देखा, ना ही नदियों को इतना मुस्कुराकर बहते देखा। रातों में तारे साफ दिखाई देने लगे हैं, दिन में पक्षियों की चहक साफ सुनाई देने लगी। कुदरत ने वादा ना किया था कि हमेशा एक सा रहेगा, इसीलिए हमें अब सावधानी से बढ़ना है, अपनी रक्षा खुद ही करनी है। कहते हैं कि बचाने वाला भगवान होता है, पर हमारे भगवान हमारे वो साथी हैं जो आज दिन रात हमारी सेवा कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। आज हम उन सभी साथियों को सलाम करते हैं जो हमारे देश को बचाने में ऐसी खतरनाक बीमारी से बड़ी हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा। हिंदुस्तान
फिर से मुस्कुराएगा। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।